So hi everyone, welcome to my channel. This is going to be the one of the last video for the introduction to literary studies. And इससे पहले मैं आपको शुरू करने से पहले वीडियो को मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, एक चीज पूछना चाहती हूँ बल्कि आपसे, डेट इज इस पेपर के बाद आपका कौन सा पेपर है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो वो किस डेट पे है ये भी. सो ये वीडियो है अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. एंड बिकॉज ये पेपर जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दूसरे पेपर्स की भी आपकी तैयारी करवाना शुरू कर दूंगी. सो इसलिए आई एम सेइंग कि आप जो मुझे बता दो कल आपका एग्जाम होगा, सो कल मैं आपके लिए उस एग्जाम की तैयारी कर लूंगी जो आपका सेकंड एग्जाम होगा. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताने वाली हूँ. इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस जो मिलेंगे उसका मैं आपके पास, मेरे पास पूरा लिंक वगैरह भी है, पूरे क्वेश्चंस रिटर्न में भी है. सो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे, बट आपको मैं बताऊंगी कैसे मिलेंगे अब आपको. ऑल्सो कई बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल रही थी डाउनलोड करने के लिए, सो उनका भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन मुझे मिल चुका है एंड दैट इज ऑन इंस्टाग्राम. सो आई विल शेयर दैट ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे अगर आपको वो चाहिए पीडीएफ, दैट इज लिंक आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन, मतलब इंस्टाग्राम की आईडी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैंने वन ऑफ माई फ्रेंड से बात करी है, सो वो जो है आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देंगे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ. सो आपको बट इंस्टाग्राम पे जाके जो है उनसे पूछ सकते हैं एंड ले सकते हैं. ऑल्सो अगर आप उनसे क्वेश्चन आंसर मांगेंगे सो उससे पहले यू हैव टू फॉलो हर, मे बी बिकॉज उस फॉलोअप कर सकते हो. सो देन यू कैन आस्क फॉर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है उनसे आपकी, और से पीडीएफ वगैरह के लिए भी आप उनसे मांग सकते हो. एंड क्योंकि आज उनका कुछ बिजी शेड्यूल वगैरह है, सो हो सकता है थोड़ा सा टाइम जो है वो लेट प्रोवाइड कर पाए आपको, बट येस विद इन एन आवर और सो अब आपको प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो दैट इज इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. सो योर फर्स्ट रीडिंग इज द नॉवल, जो आपका नॉवल आ रहा है पेपर में, दैट इज ऑफ जेन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडाइस. देखो अब आपको मैं आपको कुछ कुछ चीजें जो आपको बताई देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. दैट इज जेन ऑस्टिन एंड प्राइड, मतलब जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडाइस का एक तो आपको सबसे पहले बैरेट फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, बिंगले फैमिली के बारे में पता होना चाहिए. देन यू हैव एलिजाबेथ जेन और जो भी इनकी बहनें थी, पांचों बहनें, उनके बारे में पता होना चाहिए कि कहते हैं मतलब एक बहन जो थी वो भाग गई थी आई थिंक बिफोर वेडिंग और एट द टाइम ऑफ वेडिंग वगैरह कुछ. सो हर चीज का आपको थोड़ा थोड़ा चीजें पता होनी चाहिए. मेन जो इसके दो करेक्टर डेट इज एलिजाबेथ एंड डार्सी, उनके बारे में ज्यादा पढ़ लेना, बट एग्जाम में बिकॉज टीचर्स को पता होता है कि ये बच्चा जो है इसके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, हो सकता है बाय चांस कि वो टीचर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा ना दे. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत सारे लिखे हुए हैं, उनमें से भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ. लाइक इसमें तो आपके दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेट इज विच ऑफ द फोर वेडिंग इन द नॉवल इज द मोस्ट सुटेबल इन योर ओपिनियन. तो आपको बताना है कि कौन कौन सी वेडिंग जो है सबसे ज्यादा सुटेबल नहीं रही रही है, लाइक जेन और मतलब जेन की और जो दूसरी जेन के साथ जो दूसरा था डेट इज बिंगले फैमिली वो, और डार्सी और एलिजाबेथ, सो उनकी एक अच्छी वेडिंग रही थी. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सम इंस्टेंसेस ऑफ कॉलिंस बिहेवियर शोइंग हिम एज अ कॉमिक प्रोडिगी प्रोडिजी डैट ही इज. सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसके बारे में आपको लग रहा होगा कि भाई इसका आंसर क्या लिख रहा है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको अपने एग्जाम में जो है आ सकता है. देन यू हैव इज प्रिंस गेराल्ड का जे नैरेटोलॉजी एंड नैरेटोलॉजी में मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ. देखो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हाउ डस जो गेराल्ड प्रिंस है वो डिफाइन करते हैं एक्ट ऑफ रीडिंग को. सो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये जस्ट एक डिफाइन है एंड जो कि नहीं आएगा इतना पेपर में. ये आपको एक आ सकता है वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रीडिंग अ टेक्स्ट एंड रीडिंग रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट. तो रीडिंग अ टेक्स्ट और रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट मतलब क्या होता है. सो रीडिंग अ टेक्स्ट मतलब कि आपने जैसे ये कोई जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर दिया, इट्स जस्ट अ रीडिंग. मैं आपको रीड कर करके बोलती जा रही मतलब रीड कर रही हूँ मैं. एंड रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइक एक पर्टिकुलर टेक्स्ट आप रीडिंग कर रहे हो, उसके एनालिसिस लोगे, उसका सब कुछ मतलब पर्टिकुलर, डेट इज अ पर्टिकुलर. एंड रीडिंग अ टेक्स्ट इज कि आप कुछ भी पर्टिकुलर कोई भी टेक्स्ट उठा के आप उसको रीड कर रहे हो. नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन एक्ट ऑफ रीडिंग एंड रीडिंग में आपको क्या इम्पोर्टेंस है ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन एंड व्हाट डू यू थिंक प्रिंस मीन्स ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन. सो रिलेवेंट क्वेश्चन से क्या मीन करते हैं, इसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पे. सो आपको जितने भी वीडियोज के लिंक्स है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट इज नैरेटोलॉजी, नैरेटोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज चैप्टर इज ऑल अबाउट नैरेटोलॉजी, तो इसलिए. देन यू हैव इज कॉल ए एन का अ न्यू प्रोविजंस ऑफ राइटिंग. सो ये टेक्स्ट पता है इंपॉर्टेंट तो है बट इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो इफ अगर आपको अभी तक भी ये टेक्स्ट समझ नहीं आया है नॉवल द डोमेन ऑफ नॉवल वगैरह, सो आप इसको स्किप कर सकते हो. आई विल जस्ट से कि आप इसे स्किप कर सकते हो बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग में है ये नॉवल या फिर ये टेक्स्ट.
अकॉर्डिंग टू कॉल कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी कैरेक्टराइजेस द शिफ्ट फ्रॉम ऑस्टिन्स वर्क्स टू दोज ऑफ डिंकिंस एंड थैकरे एंड हाउ डू दीज नॉवेल्स डिफर इन देयर असेसमेंट ऑफ द रोल ऑफ द कॉमर्स इन सोसाइटी. सो ये आपका कुछ क्वेश्चन है बट येस मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि अगर आपने अभी तक इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं समझ आया यू कैन जस्ट स्किप दिस टेक्स्ट. ऑल्सो एग्जाम का मुझे बता देना नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन सा है सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम टूडे एंड टुमोरो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द लास्ट वीडियो फॉर दिस एग्जाम. एंड कोई और वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो मुझे कमेंट्स में बताई देना. पीडीएफ वगैरह के लिए मैंने आपको बताई दिया इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे इजिली. डू फॉलो हर बिकॉज फॉलो करोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा एंड देन अगर आप कुछ चीज पूछोगे या मांगोगे देन इट विल बी हेल्पफुल. ऑल्सो ये चीजें मत करना जैसे बहुत बच्चे करते हैं कि फॉलो करके अनफॉलो कर दिया ये सब चीजें बिकॉज आपकी हेल्प हो रही है और ये नहीं कि इसी बार में हेल्प हो रही है अगले नेक्स्ट सेमेस्टर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं सो उसमें भी आपकी हेल्प होगी पूरी. सो नेक्स्ट यू हैव इज जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस डेट इज इसके आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं बट पोएम इज डेफिनेटली कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स होती है लाइक आपकी पहली इंपॉर्टेंट पोएम इसमें से ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज. सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है अबाउट द जॉन मिल्टन में नेम थ्री ग्रुप्स इन विच मिल्टन सोनेट हैज बीन डिवाइडेड और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रुप्स है एंड इसके एक्सप्लेनेशन. देन यू हैव इज कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज दैट इज कि पहला आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन. ये तो मेरे को पढ़ते ही लग गया था कि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है. एक्सप्लेन द मेटाफर माइटी हर्ट used in the last line of the poem. So, आपको last line जो poem है उसकी mighty heart जो use हुई है उसके बारे में बताना है. And इसमें एक और question बहुत important that is this one. Bring out the harmony between civilization and nature in this poem. ये बहुत important question है तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा important जो है ये वाला question है that is second one. So, ये ज़्यादा important है. Next you have is Emily Dickinson's का After Great Pain. After Great Pain को तो मैंने अच्छे से discuss कर लिया है. So, उसकी तो आप direct video ही देख लो जो कि description में link मिल जाएगा. आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा उसके आप डायरेक्ट वीडियो देख लो बिकॉज उसमें आपको पूरी एक्सप्लेन कर रखा है और उसमें एक एक क्वेश्चन आंसर भी समझा रखे हैं एंड अंडर 10 मिनट्स की ही वीडियो है वो तो आप उसको इजीली देख भी सकते हो. नेक्स्ट यू हैव इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. आई थिंक ये मैंने टेक्स्ट पढ़ा था कुछ टाइम पहले ही मतलब ज्यादा टाइम पहले नहीं मतलब एक दो महीने एक दो नहीं मतलब विद इन एन ईयर ही पढ़ा है मैंने. सो इसमें मैंने मेरे को पता है इसका टेक्स्ट भी आता है लाइक वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई Where words come out of truth. तो मतलब बहुत अच्छा चैप्टर मतलब पोएम है ये एंड अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी. स्लीपिंग कंट्री के बारे में टैगोर इसमें क्या बताते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. देन यू हैव इज व्हाट डज इमेजरी ऑफ स्टॉर्म्स एंड रेन डिवोट एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब टैगोर्स आइडिया ऑफ डिविनिटी. सो इसका जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है डेट इज ऑफ थर्ड वन कि टैगोर कैसे डिस्क्राइब करते हैं आइडिया ऑफ डिविनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज नेक्स्ट टेक्स्ट वी हैव इज फेरगुसन का दैट इज ऑफ वर्सिफिकेशन. सो वर्सिफिकेशन के नाम पे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में आ गए थे. सो कई तो क्वेश्चंस मैंने अपने बनाकर भी लिख दिए कि वर्ड्स क्या होता है वर्सिफिकेशन क्या होता है ये आपके पेपर में नहीं आएंगे इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते ये चीज़ याद रखना. बट येस मतलब वर्ड्स क्या होता है वर्सिफिकेशन क्या होता है टाइप्स ऑफ वर्ड्स कितने हैं टाइप्स ऑफ पोइट्री कितनी है रिदम क्या होता है एंड स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स मैंने आपको बताए थे वो क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सिलेबल्स कितने होते हैं एंड देन यू हैव इज मीटर मतलब कि पोइट्री में मीटर क्या होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स. देन यू हैव इज येस दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन जेगुमा विद एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका. देन इसके कुछ लास्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज फर्स्ट इज दिस वन वाई डज फेनेलोसा फेवर ट्रांजिटिव वर्ब्स ओवर ऑल अदर्स. नेक्स्ट यू हैव सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज दिस वन एक्सप्लेन नॉमिनल एंड डबल सिंटेक्स विद वन एग्जाम्पल ईच. इसके बारे में तो मैंने आपको अच्छे से सिंटेक्स करके बताया हुआ है अपनी वीडियो में सो उस वीडियो को देख लेना. देन यू हैव इज द नेक्स्ट टेक्स्ट डैट इज तारा एंड वट डू यू थिंक मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपके हैं यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेती हूँ डैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें हम स्टार ही लगा देते हैं अभी तो बिकॉज आई फॉरगॉट कि इस पर क्वेश्चन लगाना था. सो दिस इज द क्वेश्चन डैट इज Tara write a critical note on the contemporaneousness of the theme of gender discrimination in Tara. So, इसमें आपको gender discrimination के बारे में बताना है. Also, ये text मैंने read नहीं किया है. So, ये आपको खुद करना पड़ेगा. And बहुत अच्छे ने मुझसे कहा था इसके ऊपर वीडियो के लिए. But because बहुत लंबा text है और मुझे लगा था कि अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो और exams की आपकी help नहीं कर पाऊंगी. So, I just thought कि इस text को मैंने skip करके मैं आपको बाकी help कर दूँ.
Then you have his next question. You have his medical science is shown to be misused in Tara. ये एक important question है, but it is not the main theme of the play. Do you agree? Give reason with your for your answer. So एक important question है. Then एक और question important है, that is this one. In what ways do you think Mahesh Dattani has written a play which deals with contemporary issues? And आपको इसके reason देने हैं. इसमें आप themes अगर आपको discuss कर सकते हो इस question में, because यही आपको बहुत अच्छा answer दे देगा. नेक्स्ट टेक्स्ट यू हैव इज द नेचर ऑफ ड्रामा. नेचर ऑफ ड्रामा का टेक्स्ट मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है अपने चैनल पे. एंड ऑल्सो कई बच्चे बोलते हैं कि मेरी स्पीड तेज है बोलने की, सो दैट इज बिकॉज क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती है वरना इस पर्टिकुलर सिलेबस की सब्जेक्ट की. सो दैट इज वाई आप एक काम कर सकते हो, आपको ऊपर यूट्यूब पे जो 3 डॉट मिलते हैं उस पर क्लिक करके प्लेबैक स्पीड को 0.75 या फिर 0.5 पे कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव इज जॉर्ज वॉटसन का द नेचर ऑफ ड्रामा. इसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज दिस वन, हाउ डू प्लेराइट्स यूज रियलिस्टिक एलिमेंट्स इन देयर प्लेस. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन यू हैव इज हाउ इज ड्रामेटिक लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे लैंग्वेज. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड दिस वन, व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट नेचुरलिस्टिक थिएटर. एंड ये चीज याद रखना, नेचुरलिस्टिक एंड रियलिज्म में आपको नेचुरलिज्म एंड नियरिज्म में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. एंड मे बी दिस ये इम्पोर्टेंट हो सकता है बट नहीं भी हो सकता. दैट इज हाउ हैज द स्टेज कंडीशंस चेंज्ड सिंस द एंशियंट ग्रीक थिएट्रिकल ट्रेडिशंस. सो ये तो मैंने आपको पूरा आंसर डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन वीडियो में, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो द लास्ट टेक्स्ट दैट इज हबीब तनवीर का इट मस्ट फ्लो अ लाइफ इन थिएटर. दैट इज ऑफ इसके तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. दैट इज राइट अ शॉर्ट नोन ऑन हबीब तनवीर इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न इंडियन थिएटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर तनवीर स्टैंड ऑन द आइडिया ऑफ हाई कल्चर एंड लो कल्चर. इसका तो मैंने डिस्कस किया हुआ है दोनों का ही. एंड नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तनवीर्स कंट्रीब्यूशन टू फोक थिएटर विद रेफरेंस टू नाचा थिएटर. यस, इसमें थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फोक थिएटर और नाचा थिएटर में उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया अपना वो सब कुछ. नेक्स्ट यू हैव इज गैरी डे बाय द क्लास, मतलब क्लास बाय गैरी डे. सो ये मैंने आपका टेक्स्ट आपको रीड करवा रखा है, सो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑल्सो इसमें आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लिटरेचर्स इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग इन सोसाइटी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड एक्सचेंज इन कैपिटलिस्ट सेटअप. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्टली इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है दैट इज फर्स्ट वन की शॉर्ट नोट है ऑन द लिटरेचर्स इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग इन सोसाइटी. सो दैट इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड इसके अगर आपको पर्टिकुलर आंसर चाहिए सो यू कैन इवन सर्च ऑन गूगल और या फिर आप मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोज देख सकते हो बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रखे हैं जिन जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है. ऑल्सो नेक्स्ट एग्जाम आपका जो भी है वो मुझे कमेंट्स में बता देना. एंड फॉर क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट एंड PDF आप डिस्क्रिप्शन में मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं. सो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं. एंड स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.